गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। माय नेम इज़ अक्षित मेहता एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी और एंटामोलॉजी इतनी टफ क्यों है, क्यों इसे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए और कैसे इसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ना डायरेक्ट क्रॉप उठाएंगे, क्रॉप उठा के इसके पेस्ट पढ़ लेंगे, राइस के पेस्ट पढ़ लिए, फिर उसके वीट के पेस्ट पढ़ लिए, दो चार क्रॉप्स करी, फिर पाँच करी, धीरे धीरे जब वो 8, 10, 12 कर लेंगे तो वो सारा मैसअप हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि यार पैथो और एंटो तो बहुत टफ है, छोड़ो इसे नहीं करते, क्योंकि हमें क्या, हमें सही अप्रोच ही नहीं पता कि हमें इसे पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे क्रैक करना है। और IBPS 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एंटोपैथो में से पूछता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें एंटोपैथो पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। डिस्कस करेंगे हम कुछ एग्जांपल्स लेके, कुछ क्वेश्चंस लेके जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था IBPS मेंस में इस बार में 2022 में। तो क्वेश्चन क्या था, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय ब्राउन प्लांट होपर, एफिड, वाइट फ्लाई, बग्स और थ्रिप्स। तो इसमें ना बहुत कॉन्ट्रोवर्सी थी, पहले इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर था वाइट फ्लाई। तो इसमें क्या कॉन्ट्रोवर्सी थी, काफ़ी सारी बुक्स में मेंशनड है वाइट फ्लाई, काफ़ी सारी बुक्स में मेंशनड है थ्रिप्स। तो इसका सही आंसर मैं वाइट फ्लाई क्यों बोल रहा हूँ, वाइट फ्लाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इसके लिए सबसे पहले 3 टर्म समझनी पड़ेंगी। कौन सी टर्म्स हैं, वो टर्म है नॉन परसिस्टेंट, सेमी परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। ये टर्म्स किस चीज़ से रिलेटेड है, ये टर्म्स रिलेटेड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से वेक्टर वायरस को ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली जो वेक्टर है वो वायरस को 3 तरह से ट्रांसमिट करता है, नॉन परसिस्टेंट वे में, सेमी परसिस्टेंट और परसिस्टेंट वे में। अब नॉन परसिस्टेंट वे में क्या होगा, वेक्टर आएगा प्लांट के ऊपर, फीड करेगा, कहाँ फीड करेगा, एपिडर्मिस पे, और कितने टाइम तक करेगा, फ्यू सेकंड्स से फ्यू मिनट्स। अब क्या हुआ नॉन परसिस्टेंट में, क्या हुआ, आया इंसेक्ट, आया उसने होस्ट पे फीड किया, एपिडर्मिस पे फीड किया और फ्यू सेकंड्स में वो क्या है, वायरस एक्वायर कर लेगा। वायरस एक्वायर करने के बाद वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जाएगा, वहाँ पे फीड करेगा और वायरस क्या है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं एफिड। फिर नेक्स्ट आ गया सेमी परसिस्टेंट। सेमी परसिस्टेंट में वायरस कहाँ से एक्वायर होएगा, मीजोफिल से। ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, उससे नीचे फिर आ जाती है मीजोफिल। तो क्या होगा, वेक्टर आएगा होस्ट पे फीड करेगा और वायरस कहाँ से एक्वायर करेगा, मीजोफिल से, और कितनी देर तक फीड करेगा, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आती है वाइट फ्लाई। तो सेमी परसिस्टेंट में क्या हुआ, सेमी परसिस्टेंट में इंसेक्ट आया, वेक्टर आया, वेक्टर ने क्या किया, प्लांट पे फीड किया, कितने टाइम तक, फ्यू आवर्स से फ्यू डेज, और फिर क्या किया, वायरस को एक्वायर कर लिया। फिर आ गया नेक्स्ट परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में वायरस कहाँ से उठाएंगे, वायरस कहाँ से फीड करेगा, एक्वायर करेगा, वो करेगा मीजोफिल और फ्लोएम दोनों से। और मिनिमम टाइम क्या होता है इसके लिए, इसके लिए होता है फ्यू डेज। मोर प्रिसाइजली बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आ जाती है थ्रिप्स। अब आप खुद सोचो कि चिली जो क्रॉप है वो बेसिकली 60 डेज की होती है और 60 डेज में से अगर 5 डेज तो इसको एक्वायर करने में लग रहे हैं और कितने टाइम में ये ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई क्या सेमी परसिस्टेंट वे में करती है, बहुत ईजिली फीड किया, नेक्स्ट होस्ट पर बैठी, वहाँ पर वायरस ट्रांसमिट कर दिया। तो जो IBPS है, IBPS किसे कंसीडर करेगा सही, वाइट फ्लाई को। क्यों, क्योंकि मोस्टली जो ट्रांसमिट होता है वो वाइट फ्लाई से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमने इसे डीप में समझना है तो डीप में समझने के लिए एक पेपर है, क्या नाम है इसका, चिली लीफ कर्ल वायरस एन इमर्जिंग थ्रेट टू चिली इन इंडिया, ठीक है। इस पेपर में जब हम पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, चिली लीफ कर्ल लोकली नोन एज मुर्दा इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ चिली इन इंडिया, ठीक है। अगर इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो 1960 में क्या था, ये कंसिडर किया जाता था जो चिली है
कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? थ्रिप्स और माइट्स। फिर फर्दर क्या हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ, लेटर जब इसको प्रूव किया गया, तो क्या प्रूव हुआ भाई? लीफ कर्ल ऑफ चिली इज कॉज्ड बाय टबैको लीफ कर्ल वायरस विच इज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर बेमिसिया टबैकी। बेमिसिया टबैकी वाइट फ्लाई। तो किसी बुक्स में आप कहोगे थ्रिप्स लिखा है, किसी में वाइट फ्लाई लिखा है, तो क्या है, जब पुरानी बुक्स है, जिसने जो भी बुक्स लिखते टाइम उसका सोर्स होगा, तो उसने क्या मेंशन किया? थ्रिप्स मेंशन किया। बट जो इस सोर्स को देखें हम, और काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि और भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने रिपोर्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेटेस्ट देखें तो किससे ट्रांसमिट होती है? ये वाइट फ्लाई से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द इन्फेस्टेड फ्रूट ऑफ गुआवा शोज स्मॉल कैविटीज एंड डार्क ग्रीनिश पंक्चर्स एंड व्हेन कट ओपन द रिंगलिंग मैगट्स आर सीन इनसाइड द इन्फेस्टेशन कॉजेज रोटिंग एंड ड्रोपिंग ऑफ फ्रूट्स। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी IBPS ने, और इसमें से आपको पूछ लिया भाई ये सिम्टम्स किस इंसेक्ट के हैं। अब आप सोचोगे, सोचने बैठोगे कि मैंने तो इतने सारे इंसेक्ट पढ़े हैं, क्या पता किसके हैं। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि ये टर्म्स क्या हैं, बेसिक क्या है, तो आप इसको बहुत इजीली एक वर्ड से क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये वर्ड। कौन सा वर्ड? मैगट्स। ये वाला वर्ड मैगट्स। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपको पता है मैगट्स क्या है, तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। कैसे? इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर इसका होगा गुआवा फ्रूट फ्लाई। अब इसको क्रैक करते हैं, डिकोड करते हैं कि क्यों ये गुआवा फ्रूट फ्लाई होगा। हमने लार्वा के बारे में पढ़ा। लार्वा क्या होते हैं? बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं निम्फ्स। निम्फ में क्या आ गया? हेमीपटेरा आ गया। हेमीपटेरा में क्या आ गया? वाइट फ्लाइज आ गई, एफिड्स आ गए, होपर्स आ गए, ठीक है। फिर आ गया सेकंड कैटरपिलर। सेकंड टाइप ऑफ लार्वा जो होते हैं वो होते हैं कैटरपिलर। इसके एग्जांपल में लैपिडोपटेरा, लैपिडोपटेरा आ गया, बॉलवॉर्म्स आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया मैगट्स। तो मैगट्स किस में आता है? डिप्टेरा में। फिर फोर्थ टाइप ऑफ जो लार्वा है वो क्या आ गया? वो आ गया नेड्स। नेड्स किस में आता है? ऑर्थो में। फिर नेक्स्ट टाइप जो आ गया लार्वा का, वो आ गया ग्रब। ग्रब किस में मिलता है? कौन से ऑर्डर में? कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा का एग्जांपल जैसे कि बीटल्स, ठीक है। तो अब अगर हमें बेसिक्स क्लियर हैं, अभी 5 तरह के लार्वा होते हैं, निम्फ्स, कैटरपिलर, मैगट्स, नेट्स और ग्रब्स, तो हम इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। कैसे? अब देखते हैं। ब्राउन प्लांट होपर आ गया, क्या इसमें मैगट्स बनते हैं? नहीं, इसमें नहीं बनते, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई में क्या बनता है? वाइट फ्लाई में भी निम्फ्स बनते हैं, इसमें भी मैगट्स नहीं बनते, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर आ गया पल्स बीटल। पल्स बीटल किसको बिलोंग करता है? कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा में क्या मैगट्स बनते हैं? नहीं बनते। क्या बनते हैं? ग्रब्स बनते हैं, तो ये भी नहीं आया। फिर आ गया बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म में क्या बनता है? लार्वे को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। और कैटरपिलर भी मैगट्स नहीं बना, कैटरपिलर भी है, मैगट्स नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? गुआवा फ्रूट फ्लाई। तो ये इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, तो कितना भी क्वेश्चन डाले, कितनी बड़ी स्टेटमेंट डाले, कुछ भी डाले, हम ईजिली क्रैक कर सकते हैं, ईजिली एक वर्ड से सारे क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज ऑफ रोज, ग्रेश वाइट पाउडर पैचेस आर सीन ऑन द टेंडर लीव्स एंड फ्लावर बर्ड्स, मैच्योर लीव्स गेट मालफॉर्म्ड एंड फ्लावर बर्ड्स फेल टू ओपन एंड प्लांट प्रेजेंट विल्टेड अपियरेंस। तो इसमें क्या है, ग्रेश वाइट पाउडरी की पैचेस की बात कर रहा है, ठीक है, और फ्लावर बर्ड फेल हो जाती है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसकी रूट तक जाना है, हमें इसको समझना है कि कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। कैसे? पाउडरी मेल्ड्यू। कैसे दिया हुआ है ये? ग्रेइश वाइट पाउडरी पैचेस। तो इससे हमें क्या है, हमें अगर पाउडरी मेल्ड्यू के सिम्टम्स क्लियर हैं कैसे होते हैं, तो हम इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं कि इसका आंसर आएगा पाउडरी मेल्ड्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशनड है ग्रेइश वाइट पाउडरी पैचेस, ठीक है। इस तो ये किसके सिम्टम्स है? पाउडरी मेल्ड्यू के। अगर रस्ट क्यों नहीं है, इसका आंसर
अगर रस्ट होता तो यहाँ पे जरूर मेंशन होता पोस्ट्यूल्स के बारे में बात कर रहा था, पर यहाँ पे कहीं भी उसने पोस्ट्यूल्स के बारे में बात नहीं की कि पोस्ट्यूल्स दिख रहे हैं एपिडर्मिस पे डार्क ब्राउन कलर के, रेड कलर के, बट ऐसी कोई बात नहीं की, तो इसलिए रस्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर डाउनी मेल्ड्यू क्यों नहीं होगा? डाउनी मेल्ड्यू भी क्या है तो सुपरफिशियल ग्रोथ, पर इसमें क्या वाइट पैचेस बनते हैं? नहीं बनते, तो इसलिए डाउनी मेल्ड्यू भी नहीं होगा। फिर आ जाती है क्राउन गोल की बार। क्राउन गोल क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहीं भी इसने बात नहीं की गोल फॉर्मेशन की। गोल फॉर्मेशन कैसे होती है? गोल फॉर्मेशन हो जाती है ओवरग्रोथ से। ओवरग्रोथ बेसिकली दो तरह से हो सकती है, या तो वो नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड ज़्यादा हो रहे हैं या फिर सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं। इस करके गोल्स फॉर्मेशन की भी कहीं बात नहीं कर रहा, तो इसलिए क्राउन गोल भी नहीं होगा। लास्ट आ गया डाई बैग। अब डाई बैग क्यों नहीं होगा? हालांकि इसमें क्या लिख रखा है इसने, फेल्स टू ओपन, है ना, विल्टेड अपीयरेंस। बट डाई बैग क्यों नहीं होगा? क्योंकि डाई बैग के सिम्टम्स में हमें क्लियर है कि उसमें भी विल्टिंग होती है, डेफिनेटली विल्टिंग होती है, पर उसमें विल्टिंग कैसे होती है? ऊपर से स्टार्ट होगी लीफ के टिप से, प्लांट के टिप से, और नीचे तक जाएगी, तो उसको हम बोल देते हैं डाई बैग, इसलिए डाई बैग भी नहीं होगा। तो हमें सिर्फ इस तीन वर्ड से पता लग रहा है कि इसका आंसर होगा पाउडरी मेल्ड्यू। इसी से क्लियर हो रहा है कि हमारे अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो हम कितने ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एंटोपैथो सिर्फ बेसिक्स की बात है, हम बेसिक्स ही नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्रॉप्स के बारे में, सीधे उसकी डिजीज़ उठाएंगे, पेस्ट उठाएंगे, फिर उसकी मैनेजमेंट देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, इसलिए हमारे क्या है एंटोपैथो हमें बहुत बहुत टफ लगती है। लेकिन अगर हम उसके बेसिक्स पढ़ेंगे एक वर्ड से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। और आईबीपीएस ये नहीं है कि रट्टाफिकेशन पे चलेगा, जिसने रट्टे मार लिए वो सॉल्व कर लेगा, नहीं, आईबीपीएस हमेशा कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछेगा। जिसके बेसिक्स क्लियर है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट। तो बीटी कॉटन, पहले तो हमें पता होना चाहिए बीटी कॉटन होता क्या है। बीटी मींस बैसिलस थुरिंगजेनेसिस। वो क्या है? एक बैक्टीरिया है। वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? वो है बॉलवर्म के। अब इसको क्रैक करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मींस बैसिलस थुरिंगजेनेसिस, जो एक बैक्टीरिया है। ये क्या काम करता है? ये एज अ स्टोमक पॉइजन काम करता है। कैसे? आएंगे इस पर बॉलवर्म, आएंगी फीड करेगी, ये मिडगट में जाएगा बैक्टीरिया मिडगट में जाके क्या करेगा? बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा। जैसे ही वो मिडगट में स्पोर्स बनाने शुरू कर देगा, इंसेक्ट क्या करेगा, बॉलवर्म क्या करेगा, फीड करना बंद कर देगा, और फीड करने के बाद अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बीटी कॉटन। फिर बीपीएच क्या है? बीपीएच, पहली बात तो ये किसका पेस्ट है? ये पेस्ट है राइस का। ठीक है, फिर एफिड क्या है? एफिड एक पॉलीफेगस पेस्ट है, जो कि सकिंग पेस्ट है। पॉलीफेगस का क्या मतलब होता है? पॉलीफेगस का मतलब होता है जो बहुत सारे प्लांट्स पे फीड करता है। नेक्स्ट आ गया वाइट फ्लाई, ये भी एक पॉलीफेगस पेस्ट है, और जो कि वायरस भी ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट आ गई बग्स। बग्स क्या कह देते हैं? स्मॉल इंसेक्ट्स को हम बग्स कह देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बॉलवर्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज ए। ये IBPS ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, और क्या ऑप्शन है इसमें? रोटेंडिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, एंटीबायोटिक्स और फंगिस्टेट। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है रोटेंडिसाइड। अब देखते हैं बाकी टर्म्स क्या हैं। पहले आ गया पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या है? पेस्टिसाइड एक ब्रॉडर टर्म है, जिसमें क्या आ जाता है? जिसमें सभी आ जाते हैं, जैसे फंगिसाइड, रोटेंडिसाइड, एंटीबायोटिक्स या फंगिस्टेटिस। तो पेस्टिसाइड एक ब्रॉडर टर्म होगी। नेक्स्ट टर्म है फंजीसाइड। फंजीसाइड का क्या मतलब होता है? जो फंगस को किल करे। तो फंजीसाइड क्या हो गया? फंगस, और साइड का क्या मतलब हो गया? किलिंग। फंगीसाइड क्या हो गया? जो फंगस को किल करते हैं। फिर आ गया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मींस बैक्टीरिया के एंटी। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं। और नेक्स्ट आ गया फंजीस्टैट। फंजीस्टैट क्या होते हैं? जो फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं, उसको क्या कह देते हैं हम? फंजीस्टैट। तो रोटेंडिसाइड क्या आ गया? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज रोटेंडिसाइड। और रोटेंडिसाइड किसके अंडर आ गया? पेस्टिसाइड के अंडर। तो ये स्पेसिफिकली किसके बारे में पूछ रहा है? ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के बारे में पूछ रहा है। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या हो गया? रोटेंडिसाइड। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो की। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज ड्यू टू। ये IBPS ने 2017 में क्वेश्चन दिया था। इसमें क्या था? पूछा था ब्लैक हर्ट के बारे में। और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस में दिया हुआ है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, जो कि एक फंगस है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, बैक्टीरिया, एक्सपोजर टू सनलाइट, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। क्यों होगा? अब ये देखते हैं इसे कैसे क्रैक करना है।
ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो किससे होती है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से। पहला ऑप्शन इसने क्या दिया, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इससे क्या होती है, इससे होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से क्या हुआ था, आयरिश फेमाइन आई थी, कब आई थी, 1845 में। तो ऑब्वियसली ये तो आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट आ गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात करता तो कहीं ना कहीं वो ऊजिंग की बात करता या बैक्टीरिया के कोई ना कोई सिम्टम्स लिखता, बट वो क्या है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट बात करता है ये एक्सपोजर टू सन। एक्सपोजर टू सन से क्या होता है, सोलेनिन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। सोलेनिन कंटेंट क्या होता है, ग्रीन कलर का ना कंटेंट सा पोटैटो पे आ जाता है, विच इज़ अनसेफ फॉर कंजम्पशन। तो इसलिए वो भी ब्लैक हर्ट नहीं हुआ। तो ब्लैक हर्ट किससे होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोजल एजेंट ऑफ सिट्रस कैंकर। ये भी IBPS ने 2017 में पूछा था, जिसमें क्या पूछा गया था, कोजल ऑर्गेनिज्म किसका, सिट्रस कैंकर का। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ज़ैंथोमोनास सिट्राई, सब स्पीसीज सिट्राई। कैसे क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन, इसे हम कैसे क्रैक करेंगे, इसे क्रैक करेंगे हम इसके नाम से, सिट्रस। तो क्या आ गया, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। तो अगर आपको नाम क्लियर है सिट्राई, उसको बोटानिकल नेम, आपको साइंटिफिक नेम पता, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं कि इसमें सिट्राई आ रहा है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्टिस पैथोवार, पीवी मतलब पैथोवार, गोसीपी। गोसीपी क्या होता है, कॉटन में निकलता है, गोसीपोल कॉटन में होता है एलिमेंट, तो कॉटन का वैसे भी क्या नाम होता है, गोसीपियम, है ना। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये कॉटन की बात कर रहा है। फिर ये ज़ैंथोमोनास अल्फा अल्फा से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि ये बैक्टीरियल डिजीज अल्फा अल्फे की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट आ गया स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस क्या होता है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस भी एक बैक्टीरिया, बट ये क्या करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, इसे हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा विरेडी, ये भी एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, बट ये क्या है, फंगस। क्या होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब कोई फंगस है, वो अटैक कर रही है प्लांट पे, तो हम क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा की स्प्रे कर देंगे, ठीक है। स्प्रे आजकल फॉर्मुलेशंस में आती है ट्राइकोडर्मा, तो हम इसकी स्प्रे कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, ट्राइकोडर्मा पहले ग्रो कर देगा और फंगस को ग्रो करने ही नहीं देगा, तो फंगस इलिमिनेट हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये एक बेनिफिशियल और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम करेगा। कौन कौन से, ट्राइकोडर्मा विरेडी और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। तो अब आपको बेसिक्स क्लियर है, आपको साइंटिफिक नेम पता है, तो आप कोई भी डिजीज आ जाए, कैसे भी आ जाए, क्लियरली कर सकते हो। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वे ट्राइकोडर्मा फंजाई है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया है। ये अगर हम बेसिक्स पढ़ेंगे तब हमें ये क्लियर होगा, नहीं तो ये पैथो से ऐसे ही डरते रहोगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेम द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द मैंगो वेयर फ्रूट फ्रॉम द आउटसाइड लुक्स नॉर्मल बट इनसाइड पैच फ्लैशेस बिकम स्पॉन्ज येलो एंड सोर। इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात की है, और इसमें भी सिर्फ एक ही वर्ड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले तो वो देखते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो इसने बात की है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की, और फिर किसकी बात की है, मैंगो की, जिसमें क्या है, फ्रूट बाहर से तो ठीक है, आउटसाइड से तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर क्या है, पैच फ्लैश बन रहा है, स्पॉन्ज टाइप, येलो और सोर टाइप, ठीक है। अब बाहर से तो नॉर्मल लग रहा है, तो इसका मतलब ये तो ख़त्म होगी कि ब्लैक टिप तो नहीं है, है ना, ब्लैक टिप में हमें ब्लैकनिंग दिखती है, तो ये बात तो वैसे ही क्लियर होगी। मैंगो माल फॉर्मेशन और स्पॉन्जी टिश्यू की बात रहेगी। अल्टरनेट बेयरिंग क्या होता है, एक साल फ्रूट दिया एक साल नहीं दिया। क्लस्टरिंग क्या होता है, ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स क्लस्टर बना लेते हैं और इसमें फ्रूट बेसिकली ग्रो ही नहीं करता, तो ये तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर बात आ गई मैंगो माल फॉर्मेशन की और स्पॉन्जी टिश्यू की। स्पॉन्जी टिश्यू में इसने क्या मेंशन किया, स्पॉन्ज बन रही है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि इसका आंसर आएगा स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। अब मैंगो माल फॉर्मेशन और के लिए हम क्या स्प्रे करते हैं, NAA की स्प्रे कर देते हैं इसको रिकवर करने के लिए। ब्लैक टिप के लिए, ब्लैक टिप क्या होती है, ब्लैक टिप में ब्लैक हो जाती है, क्यों हो जाती है, जो ईंटों का भट्ठा होता है ना, उससे जो गैसेज निकलती है, टॉक्सिक गैसेज, उसकी वजह से ये ब्लैक टिप हो जाती है, और इसके कंट्रोल के लिए हम क्या, बोरेक्स की स्प्रे करते हैं। क्लस्टरिंग के लिए भी हम किसकी स्प्रे कर देंगे, क्लस्टरिंग के लिए भी हम NAA की स्प्रे कर देंगे 100 ppm, और अल्टरनेट बेयरिंग को कंट्रोल करने के लिए हम किसकी कर देंगे, पैक्लोबिटाजोल की स्प्रे कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्या 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 पूछा गया, कॉटन पेस्ट
which is very destructive all over the world. Blackish brown moths whose pinkish caterpillars bore into balls and feed within and pupates therein. Immature balls are shed whereas mature balls do not open fully. तो ये किसके सिम्टम आ गए? सबसे पहले तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, कुछ बच्चे तो इसको स्टेटमेंट देखते ही क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, बट नहीं, हमने पढ़ना है. एक बार स्टेटमेंट पढ़नी है और फिर उसको डीकोड करना है. कैसे करेंगे? पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर क्या आ गया? पिंक बॉलवॉर्म. ठीक है, इसका आंसर क्या है? पिंक बॉलवॉर्म. क्यों है पिंक बॉलवॉर्म, अब वो देखते हैं. सबसे पहले तो इसने बात किया कि सबसे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, सबसे डिस्ट्रक्टिव आ गया. और फिर किसकी बात कर रहा है? पिंकिश कैटरपिलर. तो पिंकिश कैटरपिलर किसके होते हैं? पिंक बॉलवॉर्म के होते हैं. ठीक है, और अमेरिकन बॉलवॉर्म के क्या सिम्टम्स होते हैं? अमेरिकन बॉलवॉर्म के सिम्टम्स होते हैं होल्स बनते हैं और फेसेस दिखते हैं. फेसेस क्या होते हैं? जो वो एक्सक्रीट करता है बॉलवॉर्म उसे कहते हैं, और होल्स दिखते हैं बेसिकली हमें. तो इसमें कहीं भी फेसेस की बात नहीं कर रहा. ठीक है, तो अमेरिकन बॉलवॉर्म तो नहीं होगा. फिर नेक्स्ट आ गया स्पॉटेड बॉलवॉर्म. स्पॉटेड बॉलवॉर्म किस तरह के सिम्टम्स शो करता है? ये बनाता है फ्लेयर स्केयर. फ्लेयर स्केयर में क्या होता है? जो बॉल होती है ना कॉटन की, वो इमेच्योर खुल जाती है. ठीक है, और फ्लेयर की अपीयरेंस दे देती है, उसे क्या कहते हैं? फ्लेयर स्केयर. तो यहाँ पे कहीं भी फ्लेयर की बात नहीं कर रहा. नेक्स्ट आ गया रेड कॉटन बग. रेड कॉटन बग क्यों नहीं है? रेड कॉटन बग एक, पहली बात तो ये माइनर पेस्ट है. और इससे क्या होता है, रेड कॉटन बग जब हम स्पिनिंग के लिए ले जाते हैं ना, वो कॉटन एक्सट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ये साथ चला जाता है रेड बग, और वहाँ पे वो पिस जाता है, और उसकी वजह से ना रेड स्टेनिंग आ जाती है कॉटन के ऊपर. जब उसके ऊपर रेड स्टेनिंग आ जाती है तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, और फिर क्या है, उसको सही प्राइस नहीं मिलता. इसलिए ये तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं की स्टेनिंग स्टूनिंग की, कुछ भी बात नहीं की, तो इसलिए रेड कॉटन बग भी नहीं है. फिर आ गया कॉटन एफिड. कॉटन एफिड क्या करता है? कॉटन एफिड, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, एफिड क्या करता है? सैप को सक करता है. तो कहीं भी सैप के बारे में या लीव्स के सैप को सक के बारे में कहीं भी कोई बात नहीं कर रहा, तो इसलिए एफिड भी नहीं होगा. तो बेसिक्स क्लियर हैं तो हमें पता होगा इसका आंसर क्या आ गया, पिंक बॉलवॉर्म. अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज. सबसे पहले तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूछा, लेकिन ये पैथों से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की बात कर रहा है. तो अब इसे हम डीकोड करेंगे. इसका पहले तो आंसर देख लेते हैं. इसका सही आंसर होगा एग्रो बैक्टीरियम. अब देखते हैं क्यों होगा सही. क्या बात की इसने? जेनेटिक इंजीनियरिंग की. जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात किया. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? हमें इंजीनियरिंग करना, बेसिकली प्लांट्स को मॉडिफाई करना, किसके यूज़ से? बैक्टीरिया के यूज़ से बात कर रही है ये. तो सबसे पहले तो आ गया डिप्लोकोकस. डिप्लोकोकस क्या होता है? डिप्लो मतलब डाई, कोकस मतलब स्फीयर्स. तो इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होती है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती है, तो इसकी तो ये बात नहीं कर रहा. अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, इसकी भी नहीं ये बात कर रहा. फिर आ गया ईकोलाई. ईकोलाई के बारे में हमने क्या पढ़ा है? ईकोलाई का आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. किसके लिए यूज़ कर रहे हैं ईकोलाई का? हम यूज़ कर रहे हैं पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए, या बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए भी ईकोलाई का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो भी नहीं हुआ. तो राइजोबियम भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, तो राइजोबियम भी है. तो इसका आंसर क्या आ गया? एग्रो बैक्टीरियम. अब एग्रो बैक्टीरियम क्यों आया? एग्रो बैक्टीरियम में ना बेसिकली क्या होता है, ट्यूमर से कॉजिंग सेल्स होते हैं. ये क्या करते हैं? ट्यूमर कॉज करते हैं. तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? हम इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूमर कॉजिंग सेल्स होते हैं ना, उसमें इसके जो ट्यूमर कॉजिंग पावर है उसको बंद करके, उसको रोक के, ठीक है, उसकी जगह हम क्या डाल देते हैं? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं. जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे तो उसके बाद क्या है, जब भी वो मल्टीप्लाई करेगा तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेगा. इसलिए इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं? एग्रो बैक्टीरियम का. एग्रो बैक्टीरियम में ट्यूमर सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं. तो कौन सा बैक्टीरिया आ गया? एग्रो बैक्टीरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो. अब इसमें इतने सारे ऑप्शंस दे दिए. अब इतने सारे ऑप्शंस देने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट तो पहले देखेगा, ओहो इतने सारे ऑप्शंस, ऊपर से पैथो का क्वेश्चन है, छोड़ देगा वो. लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है. हमने क्या करना है, इजीली पढ़ना है, सिर्फ उसको पढ़ना है. बेसिक्स हमारे क्लियर है, वो अपने आप एलिमिनेट होते जाएंगे. पहले तो पहला ऑप्शन क्या है, रैपिड विल्टिंग एंड डेथ ऑफ प्लांट्स विदाउट येलोइंग और स्पॉटिंग ऑफ लीव्स. सेकेंड ऑप्शन क्या है, पिंच्ड और कट ऑफ एट द बेस ऑफ द स्टेम
देन इट विल्स ड्रूप ओवर विदर अवे एंड डाई. थर्ड ऑप्शन क्या है, अपियर्स येलो एंड स्टंटेड ओवरऑल अलोंग विद मोल्टेड लाइट एंड डार्क ग्रीन ऑन लीव्स. फोर्थ ऑप्शन क्या है, लीव्स में बी कर्ल्ड मालफॉर्म्ड और रिड्यूस्ड इन साइज. और फिफ्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा. किसकी बात कर रहा है वो, विल्ट की बात कर रहा है. इसमें क्या रहा है, रैपिड विल्टिंग पहले तो यहीं से क्लियर हो गया. फिर क्या आ गया, डेथ ऑफ प्लांट्स विदाउट येलोइंग और स्पॉटिंग. क्योंकि इसने सिर्फ विल्टिंग की बात की है तो विल्टिंग इसी में आ रही है. अब सेकंड क्या है, सेकंड में ऑप्शन में इसने क्या बात किया, पिंच्ड और कट ऑफ एट द बेस ऑफ द स्टेम. अगर हमारे सिम्टम्स बेसिक्स क्लियर हैं तो ये किस चीज़ के सिम्टम है, ये सिम्टम है हमारे डैम्पिंग ऑफ के. डैम्पिंग ऑफ के कैसे हैं, डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है, स्टेम जो होती है ना, बेस लाइन ऑफ स्टेम, वहाँ से वो वीक हो जाती है और सारा प्लांट गिर जाता है, विल्ट हो जाता है उसके बाद. तो वही बात कर रहा है ये, कट ऑफ एट द बेस ऑफ द स्टेम देन विल्ट्स ड्रूप्स विदर अवे एंड डाई. तो अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है, हमें पता है कि ये सिम्टम्स किसके हैं, तो हम इसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये तो नहीं आएगा. नेक्स्ट आ गया अपियर्स येलो एंड स्टंटेड, और फिर क्या आ गया, मोल्टेड लाइट एंड डार्क ग्रीन. मोल्टेड लाइट एंड डार्क ग्रीन क्या होता है, लीफ आ गया, लीफ के ऊपर ना बेसिकली कलर्स बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, कोई लाइट ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के. तो ऑब्वियसली वो नहीं आगा. तो वो किस लिए, वो किसकी अटैक की वजह से होता है, वो वायरस, वायरस या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है. इसलिए तो इसने बात ही वैसे ही बैक्टीरियल की किया, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं आएगा. फिर नेक्स्ट आ गया लीव्स में भी कर्ल्ड मालफॉर्म्ड एंड रिड्यूस्ड इन साइज. इसमें तो वैसी बात लीव्स की कर रहा है, और हमें क्या करनी है, विल्टिंग की बात करी है. और यहाँ पे तो कहीं भी विल्टिंग की नहीं बात करा, क्या बता रहा है, लीव्स में भी कर्ल्ड, लीव्स कर्ल हो गए, मालफॉर्म्ड हो गए, या फिर उनका साइज रिड्यूस हो गया. तो ये भी जनरली किसके सिम्टम्स है, ये वायरल अटैक के सिम्टम्स है. तो ऑब्वियसली विल्टिंग की कहीं बात नहीं हो रही. तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रैपिड विल्टिंग एंड डेथ ऑफ प्लांट्स विदाउट येलोइंग और स्पॉटिंग ऑफ लीव्स. तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ एक सिंपल अप्रोच से ये क्लियर कर सकते थे हम, सिर्फ अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है, हमें पता है कि किस चीज़ के क्या सिम्टम हो सकते हैं. तो इसका सही आंसर हो गया ए. अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ इन्फेस्टेशन दैट अकर ड्यू टू द अटैक ऑफ स्टेम बोरर ऑन मेज क्रॉप. तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीव्स एंड बोर इन टू द स्टेम एंड कॉब. कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीव्स रिजल्ट इन लीव कर्ल एंड डैमेज इन क्रॉप. निम्स एंड अडल्ट्स कम कॉज हनी ड्यू लाइक सेक्रेशन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें सबसे पहले हम इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीव्स एंड बोर इन टू द स्टेम एंड कॉब. क्यों आएगा, अब इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले क्या आ गया, स्टेम बोरर. ठीक है, तो स्टेम बोरर क्या होता है, बोर करता है. तो बोरर के क्या बनते हैं, बेसिकली कैटरपिलर बनते हैं. तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही इलिमिनेट हो गया. इसमें क्या बता रहा है, निम्स बता रहा है, तो ये तो वैसे ही इलिमिनेट हो गया. फिर ऑल ऑफ द अबव वैसे इलिमिनेट हो गया. अब बात आ गई इन दोनों पे, दोनों में कैटरपिलर आ रहा है और फीड्स की बात कर रहा है. लेकिन हमें क्या पूछा गया, स्टेम बोरर के बारे में. स्टेम बोरर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बता रहा है कि बोर कर रहा है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में क्या बता रहा है, लीफ कर्ल हो रहे हैं, है ना, क्रॉप को डैमेज हो रहा है, बट कहीं भी इसने बोर की बात नहीं की. तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि कैटरपिलर आ गया और बोर कर रहा है. तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स बिलोंग्स टू. जो वायरस थ्रिप्स से ट्रांसफर होते हैं वो किस जीनस को बेसिकली बिलोंग करते हैं. तो इसका सही आंसर है टोस्पो वायरस. इसमें भी IBPS क्या करता है ना, IBPS कई तरह के क्वेश्चन पूछता है, कोई मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, कोई मॉडरेट लेवल का, और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. क्यों, क्योंकि इसने फैक्ट पूछ लिया. अगर आपको पता है कि थ्रिप्स जो वायरस ट्रांसमिट करते हैं वो टोस्पो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, तो आप इजीली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं. और बेसिकली थ्रिप्स क्या है, 7 to 8 नॉन वायरसेस को ट्रांसमिट करता है, जो बिलोंग करते हैं किसको, टोस्पो वायरसेस को. सो दैट्स ऑल, ये क्वेश्चंस थे. होप आपको समझ आया होगा कि बेसिक्स क्लियर से हम कैसे और कितने इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एंटोपैथो कितनी इजी है अगर हम सिर्फ 2 से 3 दिन लगा के पहले बेसिक्स क्लियर कर लें, और बेसिक्स क्लियर करने के बाद कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, किसी भी क्रॉप का पूछ ले, किसी भी पेस्ट से ले जाए, किसी भी डिजीज़ से ले जाए. अगर हमें सिम्टम्स क्लियर हैं डिजीज़ के, तो हम
इजीली क्रैक कर सकते हैं, भाई ये इस डिजीज़ की बात कर रहा है ना। और अगर हमें पता है कि ये कैटरपिलर किस में बनता है, निम्स किस में बनता है, तो हम इजीली ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं भाई किस पेस्ट के बारे में बात करता है। तो एंटोपैथो सिर्फ बेसिक्स की बात है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और IBPS ये तो है नहीं कि क्वेश्चन ना पूछे, हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो एंटोपैथो के मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है करंट अफेयर के किसी बार किसी टाइम 60 में से 25 क्वेश्चन आ जाए या बिल्कुल ही ना आए, लेकिन एंटोपैथो के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप एंटोपैथो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।